नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR डेली ब्लॉग्स में। मैं आपका दोस्त आपका भाई मानसिंह लेके आ गया भाई आपको द फिश पॉइंट शॉप पे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सब कुछ बताने की कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। वीडियो में आगे तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना गाइस। आज हम जहाँ आए गए तो फिश शॉप पे आए गए, फिश कवर करेंगे, प्राइस पता करेंगे, कौन कौन सी फिश आपको मिल जाएगी यहाँ पे, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेट्स गो। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, ये है नाइक फिश गाइस, इसको नाइक फिश बोलते हैं। देख लेते हैं साइज में कितनी बड़ी रहने वाली है। और इसका जो प्राइस रहने वाला है मात्र 65 रुपीज पर ईच के हिसाब से आपको ये फिश मिल जाएगी। देख सकते हैं इसके अंदर प्लाको भी डाल रखी है, ये प्लाको रहने वाली है गाइस। बाकी बढ़ते हैं गाइस आगे, इस तरफ को इस तरफ कवर करते हैं। देख सकते हैं टिन फॉइल बार फिश रहने वाली है, इसका प्राइस पता करते हैं गाइस। देखिए गाइस इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 65 रुपीज ईच रहने वाला है। देख सकते हो क्वालिटी चेक करते तो काफ़ी चलती फिरती फिशेस हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साफ सुथरा टैंक है भैया का। बाकी इधर आते हैं गाइस, ये देख सकते हैं ओरांडाज हैं, इसको ओरांडाज रेड ओरांडाज बोलते हैं इनको। तो देख सकते हैं इसका जो प्राइस रहने वाला है जो 90 रुपीज पर ईच के हिसाब से रहने वाली है, 90 रुपीज पर ईच के हिसाब से आपको मिल जाएगी। बाकी देख सकते हैं गाइस और भी यहाँ पर फिश लगी है, पेंसिल फिश है ये देख सकते हो गाइस, कितनी अच्छी फिशेज है, फिश कितनी हेल्दी लग रही है और कितनी अच्छी मूव कर रही है देख सकते हो। ये इसका जो प्राइस रहने वाला है 45 रुपीज पर ईच के हिसाब से मिल जाएगी आपको। ये देख सकते हैं ये कोई कोई कार्प फिश बोलते हैं इसको, नहीं कोई कार्प फिश है, ये देख सकते हो आप, ये आपको मिल जाएगी मात्र 150 पर ईच के हिसाब से, ये देख सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पे आपके लगी है, ये देख सकते हैं गाइस, ये भी कोई फिश कोई कार्प फिश रहने वाली है, इसका जो है 90 रुपीज पर ईच के हिसाब से आपको मिल जाएगी। बाकी और बढ़ते हैं गाइस आगे, देख सकते हैं ये ऑस्कर लगे हैं, वाइट ऑस्कर लगे हैं, ये इसका पता करते हैं भैया से इसका क्या प्राइस जाने वाला है। देखिए गाइस 425 रुपये पर ईच के हिसाब से आपको ऑस्कर मिल जाएंगे, चेक कर सकते हो गाइस, ये रेड आई ऑस्कर है, ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो क्वालिटी चेक कर सकते हो, कितनी अच्छी क्वालिटी रहने वाली है, ये देख सकते हो। बाकी देख सकते हैं इधर भी गाइस टिन फॉइल बाहर कर दी है वाइट में, ये एकदम से मूव हो गई हैं मेरे आते ही। ये देखिए गाइस कितनी कितनी एक्टिव हैं, कितनी फास्ट है एकदम। और बाकी बढ़ते हैं गाइस आगे, आगे पता करते हैं। देख सकते हैं गाइस ये लॉइन हॉर, ये इम्पोर्टेड वाली, इसको गाइस बोल सकते हो आप गोल्ड फिश, इम्पोर्टेड गोल्ड फिश भी बोल सकते हैं इनको। बाकी बढ़ते हैं गाइस आगे, ये गोल्ड वाली गोल्ड फिश रहने वाली है गाइस, देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है भैया के पास, मैं भी इनसे काफ़ी फिश ले जा चुका हूँ पहले, मेरे पास खुद भी एक टैंक है गाइस, आपको पता होगा गाइस, मैंने आपको कभी शो किया नहीं, शो करूंगा गाइस इस वीडियो में अपना टैंक लास्ट में कि मेरा टैंक कैसा है, देख सकते हो गाइस। इसके अंदर ये है ज्वेल्स, ज्वेल्स बोलते हैं गाइस, पास से आपको दिखा देता हूँ, ये ज्वेल्स रहने वाली फिश काफ़ी अच्छी फिश है गाइस, देख सकते हो लगे देखने में। बाकी ये ओरांडाज हैं, देख सकते हैं रेड रेड ईयर ओरांडाज। बाकी बढ़ते हैं गाइस आगे, आकर देख सकते हैं गाइस, अब चलते हैं ये बाला शार के हैं, देख सकते हैं ये बाला शार बोलते हैं, ये भी मेरे पास है फिश बाला शार, और साइड में देख सकते हैं प्लैको लगती हुई है, ये देख सकते हो गाइस सिल्वर शार्क बोलते हैं इसको, ये देख सकते हैं ब्लैक मोर, ये ब्लैक मोर है गाइस, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, ब्लैक मोर फिश रहने वाली। और देख सकते हैं गाइस ये है एंजल फिश, मार्बल एंजल्स इनको बोलते हैं, ये मार्बल एंजल्स रहने वाली हैं गाइस, देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है मार्बल एंजल्स देखने में, काफ़ी अच्छी लग रही है, 125 का ईच रहने वाला है ये प्राइस जो। बाकी गाइस देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छी फिश रहने वाली है, ये भी ज्वेल्स हैं, ये देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छी फिशेज रहने वाली हैं भैया ने, काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल रहे हैं भैया ने। बाकी देख सकते हो ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे ब्लैक मोर रख रखी हैं छोटी छोटी, बाकी देख सकते हो गाइस यहाँ पे अभी अभी गाइस देख सकते हो ये रोजी बार में, रोजी बार बोलते हैं, देखिए गाइस ये ब्लैक मोर रखी हैं भैया ने यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं भैया के पास देख सकते हो। बाकी अगर आप सिल्वर शार्क लेते हो, बाला शार्क बोल लो, सिल्वर शार्क बोल लो, तो ये सेम प्राइस में रहने वाली है गाइस, 125 पर ईच के हिसाब से तो मिल जाएंगे, साइज देख सकते हो बड़े छोटे दोनों साइज मिल जाएंगे आपको। बाकी देख सकते हो बड़े डॉलर फिश रहने वाली है, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है कलेक्शन देखने में भैया का, बहुत अच्छा कलेक्शन है भैया के पास। बाकी और बढ़ते हैं गाइस आगे, देख सकते हो ये देख सकते हो गाइस कलेक्शन चेक कर सकते हो आप, ये देख सकते हो गाइस ये एंजल देख सकते हो गाइस, कितनी अच्छी कलेक्शन लग रहा है एंजल्स का देखने में, काफ़ी साफ सुथरे टैंक भी काफ़ी साफ सुथरे हैं,
और आई होप आप भी अपने टैंक साफ रखा करो। तो देख सकते हो गाइस पफर फिश बोलते हैं इसको, ये पक हो जाती है, पफर फिश बोलते हैं गाइस। और ये जो है गाइस 125 पर इसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे। आप ये कितने तेज तेज अपने पंख लहराते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। ये वाली देखिए आप जब भागे भी नीचे जो भी लगा रखी ना गाइस सारी गोल्ड फिश मिलने वाली नीचे आपको। और बाकी देख सकते हैं गाइस, और भी देख सकते हैं, देखिए देखिए एंजल फिश आपको मिल जाएगी। आपको एंजल फिश चेक कीजिएगा इस क्वालिटी, एंजल फिश की वाइट एंजल आपको मिलने वाली है 175 पर इसके हिसाब से आपको मिलने वाली है। बाकी देख सकते हो गाइस, और पता करते हैं छोटी वाली कौन सी। ये पफर फिश है भैया, इसमें गाइस पफर फिश काफ़ी छोटा साइज, हाँ छोटे साइज में रहने वाली है। देख सकते हो बाकी पढ़ते हैं गाइस नीचे की तरफ, और देख सकते हैं ये बेटा फिश रहने वाली है। देख सकते हो पास से दिखाते हैं गाइस आपको, ये अच्छे कलेक्शन है भैया के पास, कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। देख सकते हो काफ़ी स्मॉल साइज़ में रहने वाली है, छोटा टैंक है उसके लिए आप ले सकते हैं। बाकी ये देख सकते हो गाइस ये टेट्रा फिश है, यहाँ पर टेट्रा है और नियोन है, हॉर्न स्नेल। देखिए स्नेल छोटे छोटे स्नेल भी लगे गाइस, ये छोटा सा स्नेल लगा हुआ है यहाँ पर। स्नेल का प्राइस है साइड से दिखा देता हूँ आपको, देखिए भाई इस तरीके से स्नेल रहने वाला है, अब हॉर्न स्नेल रहने वाला है। ये 125 का पंच मिल जाएगा, बाकी बढ़ेंगे गाइस अभी आगे की तरफ, आगे पता करते हैं गाइस इसमें पता करते हैं। ये किसिंग किसिंग गुरामी, इसको गुरामीज बोलते हैं, ये किसिंग गुरामी है गाइस, देख सकते हैं चेक कर सकते हो कितनी एक्टिव फिश रहने वाली है। और ऊपर जो गाइस आपको ब्लू हॉर्न मिल जाएंगी, कार हॉर्न मिल जाएंगी, ये सारी बेटा फिश मिलने वाली है फीमेल में, आपको फीमेल बेटा है सारी, जितने भी आप देख रहे हो सारी फीमेल बेटा है। बाकी देख सकते हो भाई स्नेल का कलेक्शन चेक कर सकते हो, कितने स्नेल हैं भैया के पास, बहुत ही कलेक्शन रहने वाला है स्नेल का। इसे इधर पता इधर देखते हैं भाई, इधर कवर करते हैं, ये देख सकते हो भाई ये विडो मिल जाएंगे आपको ग्रीन, कितनी छोटी स्मॉल साइज में रहने वाली विडो फिश। देखो विडो टैक रहे हैं स्मॉल में, ग्रीन में, न्यून में चमक रही है, ये भी न्यू होंगी। देख सकते हो भाई कलेक्शन चेक कर रहे हो भाई, तो कितना अच्छा कलेक्शन, साफ सुथरा कलेक्शन मिलने वाला है भैया के पास। कलर अलग अलग कलर को अलग अलग सेपरेट कर रखा है भैया ने, ये देख सकते हो आपके अच्छे देखिए टाइगर बॉक्स मिल जाएंगे आपको। ये टाइगर बॉक्स गोल्डन में भी है और ये ग्रीन में रहने वाला है, ये ब्लू टेट्रा रहने वाली है, टेट्रा रहने वाली है, देख सकते हो टेट्रा का अलग अलग कलर लगा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। देखिए ब्लैक बॉक्स बोलते हैं इसको, फिश को देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है फिश। ब्लैक गोश्त का जो प्राइस है 200 रुपये पर ईच के हिसाब से आपको ब्लैक गोश्त मिल जाएगा। तो पता करते हैं ये कौन सी फिश है भैया, और भी मिल जाएगा, और भी फिश रहने वाली है, काफ़ी अच्छी फायदे रहने वाले। ये फ्लावर होम देख सकते हैं भाई, ये फ्लावर होम किस प्राइस में भैया, 1800 रुपये का इस फ्लावर होम मिल जाएगी आपको। और देखिए कितना बड़ा हेड है इस फ्लावर होम का, देख सकते हैं इसका जो प्राइस ले रहा है 4500 रुपये है। देख सकते हैं यहाँ पर उसको ना अपने हैंड के हिसाब से ट्रेन भी कर सकते हो, जैसे जैसे आपका हैंड होगा वैसे वैसे आप इसको ट्रेंड भी कर सकते हो, शायद से हो भी रही है इस तरीके से, इसको दिख रहा होगा हैंड इस तरीके से मूव कर देगा। बाकी देख सकते हैं गाइस ये ईल मिल जाएंगी आपको, ऐसी ऐसी आपको ईल पसंद है तो आप ऐसी ईल भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके कितनी डेंजरस लगती है देखने में, ये देखिए भाई इस तरीके से इसमें आपको ब्लू कलर की टेट्रा मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं ये मॉली है, इसके अंदर रेड टेल शार्क बोलते हैं। और भी यहाँ पे देख सकते हैं गाइस नीचे, ये देखिए गाइस इस तरीके से आपको फिश मिल जाएंगे यहाँ पे, कलेक्शन चेक कर सकते हो गाइस, कलेक्शन काफ़ी रहने वाला है। बाकी मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, ऑस्कर दिखाता हूँ गाइस, देखिए कितनी बड़ी बड़ी ऑस्कर मिल जाएंगे आपको। ये देख सकते हो इसका साइज पता कर देंगे भैया, क्या साइज है इसका, 6 इंच का साइज है गाइस, देख सकते हो आप चेक कर सकते हो गाइस कितनी बड़ी ये ऑस्कर रहने वाली है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस बहुत बड़ी ऑस्कर रहने वाली है। बाकी और भी देख सकते हैं यहाँ पे, और फिश छोटी मिल जाएंगी आपको, कलेक्शन बहुत है भैया के पास, कलेक्शन की कमी नहीं है। और देख सकते हो ऊपर एसेसरीज भी आपको मिलने वाली है। बाकी देख सकते हो गाइस ये प्लैटी फिश है, ये गोल्डन मोली रहने वाली है गाइस, ये गप्पी फिश मिल जाएगी आपको, देख सकते हैं गप्पी कितनी अच्छी लग रही है छोटी छोटी। और देख सकते हैं ये मोली फिश रहने वाली है, मोली फिश मेरे पास भी है, ये देख सकते हो भाई। बाकी गाइस देख सकते हो यहाँ पे पूरा कलेक्शन लगा रखा है भैया ने टॉयज का, जो आपको टॉयज लेने हो ऊपर टैंक भी लगा रखे हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप ले सकते हो भाई। देख सकते हो और भी यहाँ पे फिशेस लगी पड़ी हैं, टैंक काफी बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े टैंक है भैया,
शॉर्ट बॉडी फ्लावर होंगे भाई, शॉर्ट बॉडी फ्लावर होने काफी अच्छे लग रहे हैं। और बाकी देख सकते हो भाई, ये मार्बल फिश मिल जाएंगे एंजल आपको, और भी मछली मिल जाएगा बाकी में। भैया का टैंक के पीछे वो गाइस देख सकते हो, वो सी टैंक है, ये सी टैंक रहने वाला है गाइस, देख सकते हो ये सी टैंक है गाइस। भैया सी टैंक आप सेटअप करके भी दे देते हो? चलिए गाइस पता करते हैं भैया से एक बार। भैया फिशेस कितने से स्टार्ट हो जाती हैं आपके पास अगर प्राइस? हमारे पास अलग अलग रेंज की फिशेज होती है, जो मिनिमम प्राइस है वो आपका 20 रुपीज का है। मिनिमम गाइस 20 रुपीज से स्टार्ट होने वाली है। और फिश फूड की, फूड की बात करें, फिश फूड से भी आप करोगे तो बहुत वैरायटी के पास फिश फूड है। टाइओके है, जेकारी, टेट्रा, आपका लाइफ आयु जो मयूर देव जी का है, बहुत फेमस ब्रांड है। मयूर देव सर को तो जानते ही हैं सारे गाइस, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मयूर देव सर को बिल्कुल जानते होंगे। और यहाँ की वीडियो भी काफी बार वो आ चुके हैं, कई बार यहाँ विजिट भी कर चुके हैं। बिल्कुल पता मिल जाएगा आपको, फूड मिल जाएगा और बाकी एक्वेरियम एक्सेसरीज। एक्वेरियम भी है, एक्वेरियम के सर अगर स्टार्ट करते हैं तो किस किस प्राइस से एक्वेरियम स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास? जो है 750 रुपए से शुरू हो जाता है, बाकी अगर बाउल वगैरह लोगे तो 75 रुपए 75 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। और इम्पोर्टेड इंडियन सारे मिलने वाले गाइस, देख सकते हो आपको। और अगर आपको एसेसरीज चाहिए उनकी एसेसरीज भी मिल जाएंगी आपको, अगर पंप चाहिए, लाइट चाहिए वो भी अलग से मिल जाएंगी, पंप लाइट फिल्टर जो भी चाहिए सब मिल जाएगा आपको, सब ए टू जेड मिलने वाला गाइस यहाँ पे। यहाँ से अगर पूरा कंप्लीट सेट लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे। और ऐसे अगर आपको टॉयज वगैरह चाहिए गाइस, टॉयज भी आपको मिल जाएंगे। ये टॉयज किस प्राइस में होंगे सर? टॉयज भी अलग है, 20 रुपए 30 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला किस प्राइस में होगा सर? ये जो प्लांट है आपको 170 का है, ये 170 का प्लांट होगा, बाकी 20 रुपीज से भैया बताने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी देख सकते हैं फूड का कलेक्शन पीछे लगा रहेगा सारी फिशेस का। टर्टल्स वगैरह भी रखते हो सर आप? नहीं रखते, टर्टल्स नहीं रखते गाइस। बाकी सारा फूड आपको, टर्टल का फूड मिल जाएगा आपके पास, टर्टल का फूड मिल जाएगा गाइस। देख सकते हो सारे यहाँ पे वो आपके फिल्टर वगैरह सारे मिल जाएंगे आपको, हैंग ऑन बैग मिल जाएगा आपको, टॉप फिल्टर मिल जाएगा, और भी फिल्टर भैया के पास रखे हैं। बाकी मयूर मयूर सर का जो सर फूड है वो गाइस जो सामने रखा है वो देख सकते हो आप, ए टू जेड आपको फूड मिलने वाला है अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो। बाकी अगर भैया होलसेल में अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो उसके लिए क्या प्राइस होंगे, मतलब क्या बेनिफिट होंगे? होलसेल में भी हम सामान सप्लाई करते हैं पूरे दिल्ली NCR में, अगर कुछ ज्यादा बड़ा ऑर्डर होता है तो दिल्ली से बाहर भी, जैसे अलग अलग स्टेट में वहाँ भी हम डिलीवर कर देते हैं। आउट ऑफ दिल्ली भी भैया डिलीवरी कर देते हैं भाई। बाकी एक बार भैया शॉप का लोकेशन बता दीजिए। जो हमारी शॉप है वो उसका नाम है फिश पॉइंट, जो सरोजनी नगर मार्केट में लोकेटेड है, 162 नंबर है फर्स्ट फ्लोर पे। और जो हमारे नियरेस्ट मेट्रो है वो सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन ही है, जो पिंक लाइन पे पड़ता है। बाकी भैया ने बता दिया, भैया का एक बार विजिटिंग कार्ड ले लें, नंबर ले लें, बाकी आप कॉन्टेक्ट करके भैया से आ सकते हैं। भैया अगर जैसे दिल्ली के अंदर मंगाना हो किसी को तो मंगवा सकते हैं? बिल्कुल, ई फास्ट है, पोर्टर है, लिंक सबके थ्रू हम पोर्टर के थ्रू भी मंगवा सकते हो गाइस। अगर आप दिल्ली NCR में अगर आप मंगवाना चाहते हो गाइस तो बैठे आपको कलेक्शन देखा होगा, मैंने आपको कलेक्शन दिखाया सारा कलेक्शन, जो भी आपको लगता है आपको स्क्रीन शॉट लेके भैया के नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, और वहां से आप अपने जो भी आपको फिश पसंद हो या फिर कोई एसेसरीज आपको चाहिए हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी एक बार कार्ड दिखा दीजिए भैया मेरे को, ये देखिए गाइस, ये शॉप का कार्ड रहने वाला है द फिश पॉइंट के नाम से, आपको ये कार्ड मिल जाएगा। नंबर आपको बाकी स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये एड्रेस भी लिखा है इस पर नीचे शॉप का, ये देख सकते हो गाइस, ये रहने वाला है गाइस। बाकी गाइस वीडियो को समाप्त कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू भैया।